दुआ की कबूलियत की सूरत जो हम चाहते हैं ना वो यही है कि इधर हम दुआ के लिए हाथ उठाएं जैसे ये हाथ नीचे करें तो वो मेरी मतलूबा चीज सामने पड़ी हो ये एक सूरत है दूसरी सूरत थी कि दुआ की वजह से अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आने वाली आफतों को दूर कर देता है मुसीबतों को दूर कर देता है वो हमें नजर नहीं आती इसलिए हम समझते हैं कि वो दुआ बेकार गई है और तीसरी सूरत थी कि आखिरत में आपको बहुत सारा अजर स्वभाव मिलने वाला है तो इस भाई को भी ये समझना चाहिए कि उसकी दुआएं जाया नहीं जा रही वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं या तो आखिरत में जखीरा बन रही हैं अजर मिलेगा या को जिंदगी में मजीद जो मुसीबतें थी वो दूर हो रही हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे की दुआओं को कबूल करता है जब तक वो जल्दबाजी नहीं करता साहबा ने कहा जल्दबाजी से क्या मरादे आपने फिर वो दुआ करना छोड़ देता कहता मैंने इतनी बार मांगी मेरी कबूली नहीं हुई जब वो छोड़ देता तो यही जल्दबाजी है तो अल्लाह से दुआएं मांगते रहें उसकी राहमतें आ रही हैं बरकतें आ रही हैं आपको पता नहीं कि गायब में कैसे कैसे आपके ख़जाने जमा हो रहे हैं